फ्रेंड्स, वेलकम टू रिटिंग नाइफ। फ्रेंड्स देखिए, आज हम ये 4-ply वूल यूज करते हुए, जो कि बेबी ब्राइलन है, एक्रिलिक यार्न, इसको यूज करते हुए क्रोशिया से बच्चे के डंगरी सेट बनाएंगे, जिसमें हम कैप भी बनाएंगे, बूटीज बनाएंगे, स्वेटर बनाएंगे और जो है डंगरी बनाएंगे, पैंट्स बनाएंगे। यहाँ पे मैंने ये देखिए 3 mm साइज हुक लिया है, 5 नंबर का है ये क्रोशिया हुक। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पैंट्स बनानी है, तो उसके लिए हम देखिए पहले 42 चेन्स लेंगे, 42 चेन्स, 3, 4। तो पहले ये 42 चेन्स हम बना लेते हैं। तो देखिए 42 चेन्स बनाने के बाद हमने इन चेन्स को इस तरह से जोड़कर पहले रिंग बना लेना है और फिर स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन करेंगे। 3 हम चेन्स लेंगे, जो कि एक डबल क्रोशे काउंट होगा। और अब हमने हर चेन में एक एक डबल क्रोशे बनाना है और हम तब तक ये पूरा राउंड बना लेंगे, तो हमारे टोटल 42 डबल क्रोशेज बनेंगे। 42 इस तरह से ये देखिए डबल क्रोशेज ये बन जाएंगे। तो पहले ये 42 डबल क्रोशेज बना लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने 42 डबल क्रोशेज बना लिए। अब देखिए यहाँ ध्यान से हमने क्या करना है, ये जो हमारी 3 हमने चेन्स ली थी, ये एक डबल क्रोशे काउंट हो रहा है, इसको हमने बैक साइड से इस तरह से जो है क्रोशे हुक लेकर सिंगल जो है क्रोशे बना लेना है। सिंगल क्रोशे बनाने के बाद फिर 3 चेन्स लेंगे। ये देखिए ये हमारा दूसरा राउंड स्टार्ट हो रहा है और हमने इसमें बॉर्डर के लिए फ्रंट और बैक डबल क्रोशे बनाने हैं। तो ये हमारा फ्रंट बनेगा। अब इस तरह से हम क्रोशे हुक को लेकर आएंगे और एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये हमारा बैक डबल जो है बैक पोस्ट डबल क्रोशे। अब फिर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे, उसमें हम आगे से इस तरह से क्रोशे हुक लेकर आएंगे। फिर से देखिएगा, एक बार हम इस तरह से पीछे से लेकर आएंगे और इस क्रोशे जो ये हमारा है स्टिच, ये पीछे रह जाएगा और ऐसे हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अगली बार हम पीछे से जो है क्रोशे हुक लेकर आएंगे, ये क्रोशे जो है डबल क्रोशे आगे है, फिर से एक डबल क्रोशे। तो एक फ्रंट और एक बैक डबल क्रोशे और ऐसे ही हम ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हमने फ्रंट डबल क्रोशे के ऊपर फ्रंट और बैक के ऊपर बैक बनाते हुए जितना चौड़ा आपको ये बॉर्डर रखना है उतना ये बनाते जाएंगे। मैंने 5 राउंड्स ये बनाने हैं, 2 हम बना चुके हैं, 3 और हम बना लेंगे। तो हम ये 5 राउंड जो है इस तरह से बना लेंगे बॉर्डर के। तो देखिए इस तरह से हमने ये 5 राउंड बना लिए हैं। अब ये जो 3 चेन्स थी, इनको हमने फिर से इस तरह से बैक साइड से ही ज्वाइन करना है, क्योंकि अब हम प्लेन जो है क्रोशिया शुरू करेंगे। तो उसके लिए फिर से 3 चेन्स लेंगे और साथ में अब हमने एक एक डबल क्रोशे हर राउंड में बढ़ाना भी है। तो उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये हमारी 3 चेन्स के बाद हमने इसी चेन स्पेस में एक डबल क्रोशे बना लेना है और फिर एक एक सब में बनाएंगे। हमारे 42 थे, 42 थे, एक एक सब में हम इस तरह से डबल क्रोशे बनाते हुए पहले ये राउंड पूरा कर लेते हैं। ये हमने राउंड जब देखिए पूरा किया, तो अभी हमारे पास 42 डबल क्रोशे हैं, 42 डबल क्रोशे हैं। और क्योंकि अब हमने एक एक डबल क्रोशे बढ़ाना है हर राउंड में, तो हम इस पॉइंट में एक और डबल क्रोशे बना लेंगे। तो ये हमारे 43 हो जाएंगे, 43 हो जाएंगे। और फिर हमने इसे चाहे ऐसे चाहे ऐसे, अब तो जैसे आप चाहें वैसे इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर सकते हैं। अब फिर 3 चेन्स लेंगे, फिर अब क्योंकि 43 हैं, तो जब हम ये डबल क्रोशेज बनाएंगे ऐसे, जो हमने ये 3 चेन्स बनाई उसके बाद हमने यहाँ पे ज़रूर एक डबल क्रोशे बनाना है, उसके बाद एक एक बनाते जाएंगे। और फिर से जैसे हमने यहाँ पे लास्ट में भी एक बनाया, तो आपने या फिर आप हर जो है राउंड में गिन गिन कर बनाते जाइएगा, लेकिन आपने हर राउंड में एक एक डबल क्रोशे बढ़ाना है। अभी 43 है, फिर 44 हो जाएंगे, फिर 45 हो जाएंगे और ऐसे हमने तब तक बढ़ाते जाना जब तक हमारे 70 डबल क्रोशेज नहीं हो जाते हैं। कीप इंक्रीजिंग अंटिल वी हैव 70 डबल क्रोशेज। तो ये पूरी लेग हमारी फिर बन जाएगी। फ्रेंड्स देखिए, ये हमने 70 डबल क्रोशेज होने तक जो है इस तरह से एक एक स्टिच बढ़ाते हुए बुना है और हमारी ये टोटल जो है बॉर्डर के बाद 28 राउंड्स हुए हैं, 28 राउंड्स हमारे ये बने हैं बॉर्डर बुनने के बाद। तो ये हमारी एक लेग बनकर रेडी हो गई है। अब हम दूसरी लेग भी सेम ऐसे ही बना लेंगे। हम यहाँ से धागा काट लेंगे और इसी धागे को यूज करके दूसरी लेग बनाएंगे। जब दूसरी लेग बनाएंगे तो उसके बाद हमने धागा नहीं काटना है, हमने फिर इसको जोड़ कर बुनना है, इसलिए
हम इस धागे को काट लेंगे क्योंकि ये अब यूज नहीं होना है। तो ये हमने धागा काट लिया। अब दूसरी लेग भी बिल्कुल ऐसे ही हम बनाकर रेडी कर लेते हैं। ये हमारी दोनों लेग्स फ्रेंड्स अब बनकर रेडी हो गई हैं और इन्हें हमने इस तरह से जोड़ना है। जब हम स्टिच करेंगे ध्यान रखिएगा, जो ये वाली साइड है जिस तरफ से हमने फंदे बढ़ाए वो ऐसे आएगा, जो स्टिचेस हमने इंक्रीज किए थे। अब ध्यान से देखिए कैसे हम इसे जोड़ेंगे। ऐसे पकड़ेंगे, ये देखिए इस तरफ हमने इसको जो है राउंड इसका एंड किया था। अब यहां से हम स्लिप स्टिचेस बनाएंगे ऐसे, ये देखिए पहले इस चेन में से निकालेंगे और फिर इस चेन में से निकालेंगे, एक ऐसे स्लिप स्टिच बनाया, फिर इस चेन में से निकाला, इस चेन में से निकाला, दो स्लिप स्टिचेस बनाए, इसे छोड़ देंगे और जो ये दूसरी लेग वाला हमारा धागा बचा हुआ है एक्स्ट्रा, इससे हमने इस तरफ को दो ऐसे ही स्लिप स्टिचेस बनाकर इसे जोड़ लेना है, ऐसे वन और ये टू ऐसे, और इसे यहां से टाइट कर लेंगे। तो ऐसे करने से हमने चार चेन्स को आपस में जोड़ लिया लेग्स की ऐसे ऐसे। अब यहां से हमारे राउंड स्टार्ट होंगे, देखिए ऐसे वन टू थ्री, तीन चेन्स ली और एक एक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे जैसे हमने ये बनाई थी लेग्स। तो अब दोनों लेग्स जुड़ गई हैं, तो अब ये राउंड्स जो है ये दोनों लेग्स के एक साथ चलेंगे यूं। तो अगर पहले हम ये वाला राउंड जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, ये देखिएगा इस तरह से पहले यहां तक बुन लेते हैं, ये वाली जो लेग का राउंड है इसे यहां तक बुन लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो यहाँ पे। तो देखिए ये राउंड यहां तक हमने कर लिया है। अब यहां पे ये देखिए एक ये डबल क्रोशिया आ गया। अब दूसरा डबल क्रोशिया हमने यहां पे लेना था लेकिन फिर यहां बीच में गैप बन जाएगा, तो इस डबल क्रोशे को हम हाफ लेंगे, पूरा नहीं करेंगे, और यहां बीच में से एक डबल क्रोशे और निकालेंगे और एक हम इस तरफ से लेंगे डबल क्रोशे। तो ऐसे हमने ये तीन डबल क्रोशे का यहाँ पे क्लस्टर बना लेना है ताकि यहाँ पे बीच में गैप ना बने, होल ना बने, और बाकी हम जैसे बुन रहे थे वैसे बुनते जाएंगे, एक एक डबल क्रोशे, एक एक चेन स्पेस में। तो पहले ये वाला राउंड जो है यहां तक कंप्लीट कर लेते हैं जहां से हमने इसे स्टार्ट किया था। ये देखिए इस राउंड को यहां तक हम पूरा कर चुके हैं। अब यहां हम फिर से एक क्लस्टर बना लेंगे, ये देखिए बिना इसको कंप्लीट किए हमने अगला स्टिच बनाया, ऐसे दो हो गए। और अब इसके साथ हमने ज्वाइन करने के लिए जो स्लिप स्टिच बनाना था उसको ऐसे ही खींच लेंगे, ये देखिए। अब फिर तीन चेन्स लेकर हमने नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है। और फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा हमारे फंदे बढ़ने नहीं चाहिए, जो स्टिचेस हैं वो बढ़ने नहीं चाहिए। तो ये राउंड अब हम एक एक डबल क्रोशे बुनते हुए बनाएंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी हमारे ये टोटल इस राउंड में कितने डबल क्रोशे बनेंगे। तो पहले ये राउंड जो है अब ये देखिए इस तरह से पूरा यहां तक बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है, 66 स्टिचेस इस तरफ है और 66 इस तरफ है, 66 और 66, तो टोटल 132 हमारे ये डबल क्रोशेस हैं, 132 डबल क्रोशेस हैं। अब इनको हमने 12 राउंड्स और बुन लेने हैं, 12 राउंड्स ऑफ दीज डबल क्रोशेस। तो अब ये 12 राउंड्स पहले हम बना लेते हैं, 12 और राउंड्स हम बना लेंगे इसके बाद, तो वो बना लेते हैं अब। ये देखिए हमने टोटल 16 जो है राउंड्स बना लिए हैं क्रॉच के, इसके यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 राउंड्स हमने ये बना लिए हैं और यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हुआ है राउंड। और ये साइड को हम बैक पे रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी ये जॉइनिंग लाइन दिखाई दे रही है हल्की सी, और इस साइड को हमने फ्रंट रखना है। तो देखिए फ्रंट में हम क्या करेंगे, जो ये मिड स्टिच है ये देखिए यहाँ से इसकी सीध में हम लेंगे, ये बीच का एक स्टिच उठाएंगे। अब इस तरफ से हम काउंट करते हुए 16वां फंदा जो है उसे मार्क कर लेंगे और इस तरफ को भी जो है 16th स्टिच इस तरफ को और 16th इस तरफ को मार्क कर लेंगे, मार्क 16th स्टिच ऑन ईच साइड। ये देखिए हमने ये हमारे टोटल जो है यहां से यहां तक 31 फंदे हैं, 15 और बीच में एक। अब हम क्या करेंगे, यहां से हमने फिर से
नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करना है उसके लिए 3 चेन्स लेंगे और ये जो 3 चेन्स है ये हमारा फ्रंट डबल क्रोशे जो है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे काउंट होगा। अब हम एक बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे फिर एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे। तो जैसे अब हमने ये बनाया था कफ ये इसी तरह से हम जो है इसको मार्कर तक बुनते जाएंगे फ्रंट और बैक पोस्ट डबल क्रोशे को। ये देखिएगा तो एक एक हम फ्रंट और बैक पोस्ट इस मार्कर तक बना लेते हैं। ये देखिए यहां तक हमारा जो है ये बैक पोस्ट आ गया था जो 15th वाला है इसे हम फ्रंट कर लेंगे। अगर आपका ये वाला फ्रंट आया है तो आप इस यहाँ फ्रंट तक ही रहने दीजिएगा यानी कि हमारा लास्ट स्टिच जो है वो फ्रंट होना चाहिए। 15 या 16 जो स्टिचेस है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लास्ट स्टिच हमारा देखिए फ्रंट इस पे आया। अब हमने बाकी के जो है स्टिचेस उनको नॉर्मल जैसे बुन रहे थे इस मार्कर तक मार्कर से पहले वाले फंदे जो है स्टिच तक हम इसे नॉर्मल बुनेंगे एक एक करके क्योंकि ये हमारा फ्रंट वाला जो पैनल बनता है बॉडीज बनता है वो बनेगा। तो इसके लिए पहले हम इसे यहाँ तक नॉर्मल बुन लेते हैं। ये देखिए यहाँ तक हमने इसे नॉर्मल बुन लिया है। बीच में कितने स्टिचेस आते हैं फ्रेंड्स उसका कोई जो है इश्यू नहीं है। अब ये जो हमने मार्क किया है इसे हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बुनेंगे क्योंकि यहाँ पे भी मार्क वाला जो है ये फ्रंट आया है। अगर आपका मार्क वाले से पहले आ जाएगा तो आपने इसे नॉर्मल बुनकर यहाँ पे फ्रंट बुनना है। अब ये फ्रंट पोस्ट आ गया फिर ये बैक पोस्ट बाकी हम पूरा अब पीछे तक जो है राउंड को फ्रंट बैक बुनते हुए ही फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट बुनते हुए ही कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए एक राउंड हमारा ये कंप्लीट हो गया है इसे फ्रंट पे रखते हुए ज्वाइन करेंगे। अब हम नेक्स्ट राउंड में फिर यही करेंगे। तो ऐसे ही अब हमने जैसे ये राउंड किया है बीच में ये प्लेन और यहाँ पे डबल बैक जो है फ्रंट जो है बैक पोस्ट और फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बुनते हुए तो अब हम इसके 4 या 5 राउंड बना लेंगे जितना आपको चौड़ा बॉर्डर रखना है उसके अकॉर्डिंग। तो अब हम ये 4 राउंड्स और बना लेते हैं। तो ये हमने 5 राउंड्स और बना लिए हैं। ये देखिए इस तरह से बना है। अब हम इसे यहाँ से जो है काट कर फिनिश कर लेंगे। ये देखिए ये हमने इस तरह से काट कर फिनिश कर लिया। इसे हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे धागे को। अब फ्रंट से हमने कैसे बुनाई स्टार्ट करनी है देखिएगा। इस तरफ से 1, 2, 3 तीसरा जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है ये इससे हम इस तरह से बुनना शुरू करेंगे। फ्रंट पोस्ट रखते हुए ही 1, 2, 3 3 चेन्स हमने ली। अब ये बैक पोस्ट वाले को बैक से बुनेंगे ऐसे फिर फ्रंट वाले को फ्रंट से बुनेंगे फिर बैक को बैक से बुनेंगे। तो ये हमारा जो बॉर्डर है ये हमारा 5 डबल क्रोशे का बॉर्डर बनेगा यूं। ये देखिए ये 5 जो हमने 1, 2, 3, 4, 5 5 हमने ऐसे बना लिए यही वाले। अब बीच के जैसे हम बना रहे थे वैसे बनाते जाएंगे 1, 2, 3 तो पहले हम इसे यहां तक बना लेते हैं। ये देखिए हमने इसे यहां तक बुन लिया। अब ये हमारा फिर से यहाँ पे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे आ गया है तो ये हम 5 इस तरफ भी इसी तरह से बुन लेंगे 3, 4 एंड 5 ये हमने बुन लिए। अब यहीं से हम 3 चेन्स लेके टर्न कर लेंगे। इस तरह से 3 चेन्स ली और टर्न कर लिया। अब हम देखिए ये हमारा फ्रंट इस तरफ से जो फ्रंट बन रहा था वो ये बैक उस तरफ से था इस तरफ से ये फ्रंट हो जाएगा फिर ये बैक फिर फ्रंट और एक बैक हम बुनेंगे इस तरफ से जो उस तरफ से फ्रंट था ये। तो ये हमारे 5 इस तरह से बन गए। अब फिर हम यहाँ पे नॉर्मल जैसे बुन रहे थे वैसे बनाते जाएंगे एक एक डबल क्रोशे। तो देखिए अब हम ये जो है साइड में 5-5 डबल क्रोशेस का जो कि फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट है इनका बॉर्डर बनाते हुए और बीच में इन प्लेन फंदों को बुनते हुए डबल क्रोशेस को बुनते हुए कुछ रोज बना लेंगे। आप एक बात का ध्यान रखिएगा जब भी आप ये बुनेंगे जो बीच के ये डबल क्रोशेस हैं ये बराबर होने चाहिए। अगर ये बीच में
20 हैं तो हर बार ये 20 ही होने चाहिए, अगर 21 है तो हर बार 21। तो इसको मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक बार जो है इसे हम जैसे यहाँ पे बुन रहे हैं तो अगली बार हमने इसको यहाँ पे एक कम बुनना है, फिर हम टर्न करेंगे तो यहाँ पे अगर बुनेंगे तो यहाँ पे एक कम बुनेंगे, यानी कि गिन के आपने बीच के जो डबल क्रोशेस है वो बराबर रखने हैं। तो अब हम ये इसकी कुछ लेंथ जो है दोनों तरफ बॉर्डर रखते हुए बना लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमने ये 10 जो है रोज इस तरह से बना ली है, 10 हमने जो है इस तरह से रोज बना ली है, लाइंस बना ली है। और अब हम इसे बंद करेंगे, उसके लिए भी हमने यहाँ पे जो है यही वाला फ्रंट और बैक डबल पोस्ट वाला जो है, ये देखिए बैक पोस्ट फिर फ्रंट पोस्ट, तो ये पूरी की पूरा जो रो है ये ऐसे ही बुनेंगे हम, ये देखिए बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट, अब फिर ये बैक आएगा ऐसे और फिर अगला फ्रंट आएगा, तो ये हम पूरा राउंड ही बैक और फ्रंट पोस्ट का ही बुन लेंगे, ये वाली जो रो है पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए ये हमने यहाँ तक तो रो बुन ली, अब ये भी हमारा फ्रंट आ रहा है और ये भी फ्रंट है ही जो चल रहा था, तो बैक बनाने के लिए हम देखिए यहाँ से एक डबल क्रोशे बना लेंगे और इसी को हम बैक डबल बैक पोस्ट डबल क्रोशे बनाते हुए जाएंगे। अब ये फिर फ्रंट आ जाएगा, तो ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं कई बार जब जो है हमारे स्टिचेस आपस में ऐसे मिलते नहीं हैं। अब ये पूरा राउंड जो है रो हमने ऐसे बना ली है, अब ये देखिए ऐसे फिर 3 चेन्स लेके टर्न कर लेंगे और यही हम बैक और फ्रंट बुनते हुए ये वाला जो रो है वो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने ये रो भी कंप्लीट कर ली। अब ध्यान से देखिएगा इस रो में हमने बटन होल बनाना है और ये लास्ट रो है, देखिए 3 चेन्स ली, ये बैक पोस्ट डबल क्रोशे भी बनाया, अब हमने ये जो 2 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे छोड़ देने हैं, 2 बैक पोस्ट और ये तीसरा 1 2 3 जो थर्ड वाला है इसमें हमने फ्रंट पोस्ट इस तरह से बनाकर फिर ये बैक पोस्ट बनाना है और बाकी तो वैसे ही बनाते जाएंगे। तो ये जो हमने स्किप किए हैं 2 फ्रंट जो 3 ये, तो उसकी वजह से यहाँ पे ये देखिए ये होल सा बन जाएगा, यहाँ पे हम बटन लगाएंगे। अगर आपको छोटा बटन लगाना होगा तो आप इसमें सेकंड वाले में भी जो है बना के डाल सकते हैं, हमने यहाँ पे बड़ा बटन लगाना है तो हमने ये 3 जो है वो स्किप कर लिए। अब वैसे ही हम इस तरफ भी कर लेंगे और फिर ये रो हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो देखिए ये हमने यहाँ तक बुन लिया है, अब फिर यहाँ पे हमने ये 1 2 2 ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे स्किप किए और ये वाला बैक पोस्ट पहले हमने बनाया और फिर ये लास्ट वाला फ्रंट पोस्ट बनाकर इसे इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेंगे। अब हमने इसकी बीडिंग करनी है क्योंकि लास्ट रो है, ये देखिए 2 चेन्स हम लेंगे और एक एक हाफ डबल क्रोशे, हाफ डबल क्रोशे हम ऐसे बनाते हैं, 3 का हम एक ही कर लेते हैं सीधे, फिर ऐसे किया फिर 3 का एक ऐसे, तो हर जो चेन स्पेस है उसमें इस तरह से हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए इसकी एजिंग या फिर बिल्डिंग हम इस तरह से कर लेंगे। तो ये पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं पूरा इस तरह से रो, ये देखिए हमने पूरी इस तरह से बीडिंग करके लास्ट में एक स्लिप स्टिच से हम इसे ज्वाइन कर लेंगे और फिर ये धागा काट कर ये कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा अब ये फ्रंट साइड जो कंप्लीट हो चुकी है, बैक साइड पे देखिए हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ से बैक साइड से हमने 1 2 3 4 ये हमारी जो है सेंटर लाइन है, ये वाली 1 2 3 4 4 हमने इस तरफ से ले लिए ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस और यहाँ से हमने इसे बुनना शुरू करना है। अब फिर एक बैक आ जाएगा फिर फ्रंट आ जाएगा, तो 4 हमने इस तरफ के और 4 इस तरफ के, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यहां तक पहले इसे हम बुन लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से 8 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस बना लिए हैं, 8 फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशेस और इस तरफ हमारे 17 हैं फ्रंट पोस्ट और इस तरफ को भी 17 है, तो आपने ये भी ध्यान रखना है दोनों तरफ ये हमारे बराबर रहने चाहिए,
बीच में हमने ये इतने बना लेने हैं। अगर आपके 7 आते हैं, 7 आते हैं, तब आप 7 भी बना सकते हैं। बस अब हम यहाँ से टर्न कर लेंगे और 4 रोज बना लेंगे। एक बना चुके हैं, 3 और हम इसी तरह की रोज बना लेंगे इतने ही स्टिचेस की। तो ये बना लेते हैं पहले। ये देखिए इस तरह से 4 हमने ये लाइंस बना ली है। अब हम इसका हाफ कर लेंगे क्योंकि अब हमने स्ट्रैप्स बनाने हैं। तो उसके लिए हम पहले ये 4 जो फ्रंट पोस्ट हैं इनको लेंगे। ये देखिए ऐसे 2, 3 और 4 4 लिए हमने ये। अब यहीं से हम 3 चेन्स लेकर टर्न कर लेंगे और अब हम इन्हीं को बुनेंगे पहले। तो ये हमारा एक साइड का जो है स्ट्रैप बन जाएगा इससे बुनने से। ये देखिए बैक पोस्ट, फिर फ्रंट पोस्ट। तो ये हम अब जितने लेंथ आपको स्ट्रैप की रखनी है, क्योंकि ये जो देखिए हमारा स्ट्रैप होगा इसमें हमारे बटन्स आएंगे, 2 या 3 हम बटन्स लगा लेंगे। इससे आप जो है पैंट्स की जो लेंथ है उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो जितनी आपको स्ट्रैप रखनी है आप उतनी रख सकते हैं। मैं ये स्ट्रैप बना के बताऊंगी मैंने इसको कितना रखा है। देखिए हमने ये एक जो है स्ट्रैप बना लिया है और अब हम इस तरफ भी ऐसे ही बना लेंगे इस तरफ को। तो अब दूसरा स्ट्रैप भी हम ऐसे ही बना लेते हैं। अभी इंची टेप तो नहीं है तो मैं आपको मेजर करके नहीं बता सकती हूँ, लेकिन आपने जो है ये देखिए इस तरह से मैं रोज बताऊंगी आपको। मैंने ये 30 रोज बनाई हैं, 30 मैंने इस तरह से ये लाइंस बनाई हैं इस तरफ। आप चाहे तो 32, 34 भी बना सकते हैं। अब इस तरफ से हम ये उठाकर इस तरफ को भी बुन लेंगे। ये हम दोनों स्ट्रैप्स देखिए अब बना चुके हैं। अब हम बटन्स अटैच कर लेंगे और फिर ये हमारी जो है कम्प्लीट हो जाएगी। ये देखिए हमने बटन्स अटैच कर लिए हैं और ये डंगरी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फ्रेंड्स हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके लिए पॉकेट या फिर स्टिकर कुछ भी ऐसा बनाना सीखेंगे। तो उसके लिए जुड़े रहिएगा चैनल के साथ, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्टिकर बनाएंगे इसमें फ्रंट में लगाने के लिए, जो कि पॉकेट की तरह दिखाई देगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर।